Hello friends, so today we are starting with the next series of our current affairs for economy and related affairs. So aaj hum April ke month se start karenge. So we'll see the first news. The first news is the cabinet has approved the fixation of nutrient based subsidy rates. So we'll see what is under it. The cabinet committee on economic affairs has approved the fixation of nutrient based subsidy. जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो किन किन फर्टिलाइजर्स पे प्रोवाइड होती है, दैट इज़ फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम. तो इन फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग जो सब्सिडी है दैट हैज़ बीन फिक्स्ड, जो उसके रेट्स हैं. सो द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हेयर फॉर अस इज रिगार्डिंग NBS पॉलिसी. NBS पॉलिसी क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग दिस सब्सिडी पॉलिसी फॉर द डी कंट्रोल्ड पी एंड के, दैट इज फॉस्फरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स. सो ऑल दो देयर प्राइसेज हैव बीन डी कंट्रोल्ड, बट अभी भी जो कंज्यूमर है उनको सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड किए जाते हैं. सो अंडर दिस पॉलिसी द सब्सिडी ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स ये गवर्नमेंट एनुअल बेसिस पर अनाउंस करती है हर न्यूट्रेंट. उनमें क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश एंड सल्फर. सो दीज रेट्स आर डिटरमाइंड टेकिंग इन टू अकाउंट दी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्राइसेस. तो इनके जो उस टाइम पर प्रिवेलिंग प्राइसेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक प्राइसेस को देख के, मोर ओवर द एक्सचेंज रेट, उस टाइम पर क्या एक्सचेंज रेट है एंड द इन्वेंट्री लेवल, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक इन इंडिया. तो उसके हिसाब से दीज प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस. तो जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं एज वेल एज मार्केटर्स, उनको वैसे फ्रीडम दी गई है प्राइस फिक्स करने की. शुरुआत में ही बताया मैंने इन प्राइसेस वैसे इनको डी कंट्रोल कर दिया गया है, दैट दीज फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स को फ्रीडम दी गई है कि वो कितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखना चाहते हैं अंडर दी NBS. बट गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे देती है सो दैट द फार्मर्स कैन अवेल दीज न्यूट्रिएंट्स इन अ सब्सिडाइज्ड मैनर, इन अ चीपर मैनर. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सक्षम. सो वील सी वट इज प्रोजेक्ट सक्षम. इट इज़ द नेम गिवन टू CBEC's IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसके जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको टैकल करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया है. देखेंगे इसमें क्या किया जाता है. द IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल एनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉट ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बट ऑल्सो द रिलेटेड सर्विसेज. जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं हमारे कस्टम्स डिपार्टमेंट की, सेंट्रल एक्साइज एज वेल एज द सर्विस टैक्स, तो इन सभी डिपार्टमेंट को एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए दिस प्रोजेक्ट सक्षम हैज़ बीन लॉन्च. तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट सक्षम क्या है. इन एडिशन इट विल ऑल्सो इनेबल द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कस्टम सिंगल विंडो, इसकी फुल फॉर्म है स्विफ्ट. तो इसको भी, इसके रिलेटिवली सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एज वेल एज अदर टैक्स पेयर फ्रेंडली इनिशिएटिव. तो इसके अंडर कुछ टैक्स पेयर फ्रेंडली इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि जो टैक्स कंपाइलिंग, जो टैक्स फाइलिंग है वो ईजी हो जाए कंज्यूमर के, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए ईजी हो जाए. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन फेसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नेक्स्ट इज द फर्स्ट नेशन. अगेन दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, बट यू कैन ऑल्सो इट एड इट एज अ स्टेटमेंट इन योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इको फ्रेंडली मेजर्स इफ वट एवर इज कमिंग इन द न्यूज़. सो यू कैन ऑलवेज एड सच स्टेटमेंट. सो द फर्स्ट नेशन टू इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन. ब्लैंकेट बैन का मतलब है कंप्लीट बैन लगा दिया गया है मेटल माइनिंग पे. सो वो कंट्री है एल सेल्वाडोर. एंड इसके बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन दी है दैट इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन लैटिन अमेरिका. तो ऐसी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं कई बारी इनके बारे में पूछ लिया जाता है कौन से कॉन्टिनेंट में है ये, तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या कहीं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा सकती है. तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड इट. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज़ नाउ, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, गवर्नमेंट हैज़ विदड्रॉन द सब्सिडी टू माइल्ड हाइब्रिड कार्स. सो वील सी वट इट इज़ रिलेटेड. सो द गवर्नमेंट हैज़ विदड्रॉन द इंसेंटिव विच यूज टू बी गिवन अंडर द फॉर माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स अंडर फेम इंडिया स्कीम. सो वील ऑल्सो सी वट इज़ फेम इंडिया स्कीम.
FAME India is faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India. So we know that energy security is a primary issue in India, and moreover it has also got its implications that how much emissions are being done because of the because fuel burnings. So इसीलिए जो एक स्कीम स्टार्ट की थी FAME India, ठीक है. और इसके अलावा जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2013 में. और इसमें कुछ टारगेट्स थे दैट बाय 2020 इतने मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स को बनाया जाएगा इंडिया में, सो एज टू प्रमोट इको फ्रेंडली मेजर्स एज वेल एज रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव फ्यूल इम्पोर्ट्स. एंड प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ बींग एडमिनिस्टर्ड बाय द हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री. तो ये मिनिस्ट्री कई बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है कौन सा मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है. सो व्हाट आर माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स? दीज व्हीकल्स आर लाइक कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है. सो ऑल दो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से गाड़ी नहीं चलती है, द फंक्शन इट इज़ डूइंग इज दैट इट इज़ जस्ट अलाउइंग दैट इट इज़ जस्ट असिस्टिंग द नॉर्मल इंजन. जो नॉर्मल इंजन है गाड़ी का वो उसको असिस्ट करेगा, और जब गाड़ी की ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो उससे कुछ हीट जनरेट होगी, और जिससे जो बैटरी है उसको एनर्जी प्रोवाइड होगी, और जो बैटरी है फर्दर उस कार की फ्यूल एफिशिएंसी में हेल्प करता है. सो फाइनली इट हेल्प्स इन सेविंग अ लॉट ऑफ फ्यूल. इट इज़ बिलीव दैट इट विल सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल. बट अब गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी विदड्रॉ कर लिया, उसका रीज़न हम देखते हैं क्या रीज़न है. सो माइल्ड, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लग इन और कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल. प्लग इन व्हीकल्स होंगे या कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल्स हैं जैसे पेट्रोल एंड गैस और डीजल एंड गैस, उन इंजन से डिफरेंट होगा माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. वो जो मैंने पहले भी बताया माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स किस प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, दैट इज़ दे यूज़ द एनर्जी जनरेटेड वाइल अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो उसमें कुछ एनर्जी जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरीज. सो जो एनर्जी है उसे स्टार्ट इट कैन बी यूज टू टर्न द स्टार्टर मोटर एंड व्हेन द कार्स स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नीड्स इट. In most cases, a mild hybrid will turn its engine off when at idle or when it comes to a halt. तो जब भी ये गाड़ी रुक जाती है या आप गाड़ी न्यूट्रल में है आपकी गाड़ी, तो वो उसका जो माइल्ड हाइब्रिड इंजन है वो बंद हो जाता है ताकि फ्यूल सेव हो जाए. सो बट अभी रिसर्च से ये पाया गया है जो माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स हैं दे आर सेविंग जस्ट 7-15% ऑफ द फ्यूल. सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज बिलीविंग दैट इट इज टू एक्सपेंसिव टू इन्वेस्ट ऑन सच व्हीकल्स. तो इसीलिए इन पे अब सब्सिडी विड्रॉ कर ली गई है. बट यू शुड रिमेंबर व्हाट इज फेम मिशन, क्योंकि ये पेपर्स में आ सकता है, एंड इट एंड द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, एंड मोर ओवर ऑल्सो दैट विच मिनिस्ट्री इज एडमिनिस्ट्रिंग इट. नेक्स्ट इज पावर टैक्स इंडिया. वील सी व्हाट इज पावर टैक्स इंडिया. सो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पावर टैक्स इंडिया इनिशिएटिव. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, एक इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक स्कीम है फॉर द पावर लूम सेक्टर्स डेवलपमेंट. सो एक कहीं ना कहीं इसमें ये इसलिए भी इनिशिएटिव लिया गया दैट अराउंड 44 लाख पीपल आर एंगेज इन दिस सेक्टर. तो इस सेक्टर को रिवाइव करना, इस सेक्टर को सपोर्ट करना इज़ अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगेन दिस न्यूज़ कैन बी यूज्ड कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स और मेंस में भी आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स में इसको हेल्प आप इसकी हेल्प ले सकते हो. सो इट इज़ फॉर द इन सिटू, दैट इज़ एट दैट वेरी प्लेस अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावर लूम्स, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रुप वर्कशेड स्कीम. इट हैज़ अ यान बैंक स्कीम, मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो होलसेलर्स हैं उनसे यान प्रक्योर करके जो पावर लूम सेक्टर के लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा यान. एंड देयर आर सम कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स. सो प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम दैट चीप क्रेडिट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द पावर लूम वीवर्स. सोलर एनर्जी स्कीम भी है इसमें. तो तभी तो बोला गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, इसमें इसके हॉलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. And it also aims at facilitation of IT awareness, market development, ताकि market में access इनका ज़्यादा से ज़्यादा हो, and publicity, जिससे कि इनकी reach, outreach program है ये power loom sector के लिए. And some tax venture capital funds will also be provided.
and grant in aid and modernization and upgradation of these centers. So there are a lot of objectives under it, and kindly remember them. Next is African Development Bank to hold its 52nd annual meet in Gujarat. As such, this news is not very important, but there are some facts associated with it which we need to remember for the prelims. तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसमें कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. एस्टैब्लिश टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस. सो इट हैज़ गोल्स लाइक रिड्यूसिंग पावर्टी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड फैसिलिटेटिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अफ्रीकन नेशंस. इंडिया ने ये बैंक ज्वाइन किया था, सो यू नीड टू रिमेंबर 1982 में. कुछ इसके एक्सटर्नल मेंबर्स भी हैं, और इंडिया अलॉन्ग विद देयर आर 24 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्रीज. तो इंडिया के अलावा नॉन रीजनल मेंबर्स और भी हैं, कुछ और रीजन से उस कंट्री उस वहाँ की कंट्रीज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर्स हैं, और ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज इन इंडिया ने कुछ फैक्ट है, इंडिया ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बढ़ा दी है. एक चीज़ मैं और एडिशनल बताना चाहता था, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ आप अफ्रीकन यूनियन भी याद रखना चाहिए आपको कि अफ्रीकन यूनियन क्या है. फॉर एग्जांपल वी हैव यूरोपियन यूनियन. तो अफ्रीकन यूनियन बना था अराउंड 2003 के आसपास बना था, और इसके अराउंड 55 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स. इसके हेडक्वार्टर्स आप चेक कर सकते हो, एडिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है. सो इंडिया और एयू के कुछ समिट्स भी होते हैं which facilitate the socio-economic development of the countries which are collaborating in this initiative. So India or African nations ek dusre ko assist karte hain on various different issues like education, health, telecommunication, science and tech. So different issues ke liye, aur India or African Union ke summits bhi hote rehte hain. For example, first summit hua tha 2008 mein, to ye 3 yearly summits hote hain. Fir 2011 mein hua tha, सबसे पहले एडिस अबाबा में ही हुआ था. देन इट टुक प्लेस जो फर्स्ट समिट हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था 2011 में. इट टुक प्लेस इन एडिस अबाबा, दैट इज़ दी हेडक्वार्टर्स, इथोपिया में है ये. एंड 2014 में होना था, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से इट टुक प्लेस द थर्ड इंडो अफ्रीकन यूनियन समिट टुक प्लेस इन 2015. तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. बट फिर भी आप ये भी याद रख सकते हो कि 2008 में फर्स्ट समिट हुआ एंड 11 में और 15 में. एंड नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द उज्ज्वला स्कीम. सो इट इज अनदर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द न्यू एनडीए गवर्नमेंट. एंड वील सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ पीएम्स, प्राइम मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है उज्ज्वला योजना, हैज क्रॉस्ड. एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं इसके अंडर टू दी बीपीएल हाउसहोल्ड्स. तो इसके अंडर जो कनेक्शन दिए गए हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं एक साल के अंदर अंदर, एक साल से कम टाइम में ही. सो अंडर दिस स्कीम ₹8,000 करोड़ हैज़ बीन ईयर मार्क्ड. इसके लिए 8,000 करोड़ अलग से रखा गया फॉर प्रोवाइडिंग 50 मिलियन, दैट इज़ 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने हैं टू दी पुअर हाउसहोल्ड्स. यू नीड टू रिमेंबर इट इज़ स्पेसिफिकली टारगेटिंग दी पुअर हाउसहोल्ड्स. सो अंडर दिस स्कीम एन अडल्ट वुमेन मेंबर ऑफ द बीपीएल फैमिली, तो इट इज़ फॉर ओनली द बीपीएल फैमिलीज. वो बीपीएल फैमिलीज आइडेंटिफाई कैसे होंगी? थ्रू दी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. तो 2011 में हमारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हुआ. यू नीड टू रिमेंबर नॉर्मली सिर्फ जो नॉर्मल सेंसस होता था उसमें सोशो इकोनॉमिक एंगल्स नहीं देखे जाते थे, बट इस बार ही 2011 में स्पेशल हुआ एक कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस भी और सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को भी कंसिडर किया गया है. तो इस स्कीम के अंडर अ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन अलॉन्ग विद अ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड. फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1,600 इज प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, और जो एलिजिबल हाउसहोल्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज. एंड काइंडली रिमेंबर दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये लास्ट इन्फॉर्मेशन भी याद रखना. नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस. पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं.
तो इसके पेरिस में हेडक्वार्टर्स एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 इन द वेक ऑफ ऑयल क्राइसिस. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दैट 1970s में एक ऑयल क्राइसिस आया था. सो ग्लोबली एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे. सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस एजेंसी जो इस रिगार्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके रिगार्डिंग ये एजेंसी काम करती है. सो कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमने सोचा कि इसके बारे में कंसर्न, इससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इफ़ इंडिया हैज़ बिकम एन एसोसिएट मेंबर. सो इट विल अलाउ द कंट्री टू प्ले अ मेजर एंड अ मोर विजिबल एंड इन्फ्लुएंशियल रोल इन द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप. क्योंकि इंडिया वहाँ पर अगर उस फोरम का पार्टनर बनेगा सो इट विल एक्ट एज अ मेजर स्टेक होल्डर. एंड दिस डज नॉट कास्ट एनी एडिशनल ऑब्लीगेशन. कोई ऑब्लीगेशन नहीं आ रही है इसका मेंबर बनने से इंडिया पे. रादर इट इज़ प्रोवाइडिंग अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्री टू बिकम द वॉइस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ रीजनल पार इन द साउथ एशिया. सो इफ इंडिया बिकम्स अ मेंबर देन ऑब्वियसली इट कैन वॉइस द कंसर्न्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. एंड इट विल ऑल्सो फेसिलिटेट इट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स जो इसके ग्रुप्स कमिटीज़ की जो और इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग भी इंडिया कैन वॉइस इट्स ओपिनियन. एंड मोर ओवर वी ऑल्सो नो दैट इंडिया हैज़ अ विजन ऑफ इंश्योरिंग 24/7 अफोर्डेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली पावर फॉर ऑल. आपने शायद पढ़ा होगा अभी एक स्कीम आई है सौगम्या, तो उसके अंडर जो टारगेट है कि इस साल के एंड तक, दैट इज़ बाई 2018 के एंड तक द टारगेट इज़ टू प्रोवाइड पावर टू ऑल. सो समहाउ इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर फॉर ऑल. एंड इंडिया कैन ऑल्सो रिचली गेन फ्रॉम इट्स डाटा गेदरिंग प्रोसेस दैट हाउ इट गेदर्स डाटा एज वेल एज द सर्वे मेथडोलॉजीज एंड रेंज ऑफ एनर्जी डाटा. सो इंडिया को इससे हेल्प मिलेगा और एक अपना रोबोस्ट एंड इंटीग्रेटेड डेटा बेस एजेंसी बनाने में हेल्प होगी. वील स्टडी लिटिल बिट अबाउट इट्स बैकग्राउंड. एंड इंडिया इज होम टू अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. 16% है इंडिया का शेयर इन द ग्लोबल पॉपुलेशन, बट अभी भी जो हमारा यूजेज है एनर्जी रिसोर्सेज का इट इज़ ओनली 6%. तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है टू फुलफिल आर एनर्जी डिमांड्स. तो इसलिए हमें, दैट इज़ वाई दिस पार्टनरशिप इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया अ लॉट. नेक्स्ट इज साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम. सो ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज SASEC प्रोग्राम. सो वील सी क्या है इसमें. सो म्यांमार जो कंट्री है जिसको फॉर्मली बर्मा भी बोला जाता है हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ सेसिक प्रोग्राम. ये एक एशियन डेवलपमेंट बैंक जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था 1967 का बैंक है डोमिनेटेड बाय जापान. तो इंडिया इसका मेंबर है और ये 1967 में बैंक बना था फिलीपींस में है ये. तो म्यांमार एक सेवेंथ कंट्री बन गई है जो इस SASEC प्रोग्राम का को ज्वाइन कर लिया जिसने. सेसेक के बारे में देखते हैं क्या है ये. इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ ADB विच वॉज स्टार्टेड इन 2001 इन रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल टू असिस्ट एंड फैसिलिटेट देयर इकोनॉमिक ऑपरेशन. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए ये ADB का एक अलग से प्रोग्राम था SASEC. और श्रीलंका और मालदीव ने भी इसको ज्वाइन किया था. एंड एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप इट हैज़ बीन हेल्पिंग टू एनहांस द क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी. हमने पहले ही देखा फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन. तो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, हैसल फ्री हो, तो उसमें कोई ज़्यादा बैरियर्स ना हो, फैसिलिटेट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रेड एंड प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड. तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को एनहांस करने के लिए. और जो मनीला में इसके हेडक्वार्टर्स हैं फिलीपींस में है ये, तो SASEC के जो सेक्रेटेरिएट है वो भी वहीं पर है. नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज, जॉइंट UK इंडिया फंड. बट इट इज इंडिया एंड UK हैव अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन अर्ली मार्केट एंगेजमेंट फॉर जॉइंट UK इंडिया फंड. तो इससे जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करने के लिए
कॉल्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड। तो इसमें क्या है, इसका नाम ग्रीन ग्रोथ, तो इसी से नाम से ही इंडिकेट हो रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू प्रमोट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स विच आर इको फ्रेंडली, जो क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करेंगे, तो उससे रिलेटेड है। एंड इट विल एम टू लीवरेज टू टैप द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सिटी ऑफ लंडन टू इन्वेस्ट इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होंगे, जो जो हमारी इमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट की इसकी कोशिश की जाएगी, जो प्राइवेट सेक्टर है लंदन का, वहाँ से फंड्स को लेवरेज किया जाए एंड दे शुड बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर NIIF फ्रेमवर्क। NIIF के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हो। 2015 में एक फंड स्टार्ट किया गया था टू टैप द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो इसमें एक फंड का जो कॉर्पस है इनिशियल इज 40,000 करोड़। आई बिलीव इस साल ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है, सो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखना। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर NIIF फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। वील सी द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्लोजर। सो रिमेंबर ये स्कीम को बंद किया जा रहा है, दिस महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना विच वॉज सेटअप इन 2012। ये 2012 में स्टार्ट की गई थी टू एड्रेस दी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज। सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज ऑफ होम दी ECR कैटेगरी वर्कर्स, जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स होते थे इंडिया के। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ द इंडियन रेजिडेंट्स आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वहाँ पर लेबर क्लास का काम करते हैं, तो एक उनके लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल दोज हुअर नॉट एजुकेटेड इनफ एंड दे आर वर्किंग इन लो स्किल्ड जॉब्स, तो उनके लिए एक ECR कैटेगरी बनाती थी। ऑल दो दिस क्लासिफिकेशन इज नो मोर वैलिड नाउ, बट उनके लिए एक ये क्लासिफिकेशन होती थी, तो उनको सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे दोज हुअर गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ECR कंट्रीज। ऐसी कुछ कंट्रीज हमने क्लासीफाई की हुई थी, तो जो उन कंट्रीज में काम करते थे उनके लिए ये बेनिफिट्स थे। अब इस स्कीम को बंद क्यों किया गया है, दिस वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर, दिस सब्सक्रिप्शन अंडर द MGPSY वॉज वेरी लो। तो बहुत कम लोग थे जो इसमें इनरोल कर रहे थे और कोई भी नई सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं गई थी पिछले एक साल से ज़्यादा टाइम में। एंड दिस अब इस स्कीम को बंद करने से होगा कि जो अवॉइडेबल रिकरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिकॉर्ड कीपिंग एक्सपेंडिचर हो रहा था, अननेसेसरी हो रहा था, क्योंकि जब एनरोलमेंट ही नहीं हो रही है तो उस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज समहाउ वेरी मच कीन टू यूज इट्स फंड्स इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर, तो फिस्कल कंसॉलिडेशन मेयर माना जा रहा है इसको अबाउट द स्कीम। सो इट इज़ अ स्पेशल सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच इंक्लूड्स पेंशन एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस, और रिमेंबर दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स। वैसे याद रखना अब ये स्कीम हैज़ दिस मिनिस्ट्री हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दिस मिनिस्ट्री नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये मिनिस्ट्री अब नहीं है, अब दिस हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू MEA। सो ये जो स्कीम थी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट थे लाइक पेंशन एंड लाइफ इंश्योरेंस फॉर द ओवरसीज इंडियन वर्कर्स, ठीक है, तो उनको जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी रिगार्डिंग देयर रीज, अगर एकदम से निकाल दिया उनको, फॉर एग्जांपल जब निताकत लॉ आया था, एक निताकत लॉ आया था सऊदी अरेबिया में, तो बहुत सारे इंडियंस थे क्योंकि ऑयल रिसेशन के बाद, तो इंडियंस को सबसे पहले निकाला जा रहा था, बिकॉज दिस लॉ प्रोवाइडेड दैट सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो डोमेस्टिक पॉपुलेशन को दी जाएगी इन एम्प्लॉयमेंट, तो इंडियंस को पहले निकाला जा रहा था, तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सो एज टू अलाउ देम टू रीसेटल एंड रिहैबिलिटेट इन इंडिया इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, तो ये स्कीम इसलिए भी स्टार्ट की गई थी। बट अब इसमें क्योंकि एनरोलमेंट रेट काफ़ी लो है, नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन स्क्रैप्ड। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ कुडनकुलम यूनिट। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट भी बहुत हुए थे बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एज वेल एज लाइवलीहुड इश्यूज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो कैसे वेस्ट को रीप्रोसेस किया जा रहा है, वेस्ट डिस्चार्ज कैसे किया जा रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट उसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न थे, बट इंडिया ने इसका अब कंट्रोल ले लिया। ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ऐसे इंडिया के कुछ और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, जैसे कैगा, इट इज़ इन कर्नाटका,
कैगा उसके अलावा रवात भाटा है इंडिया का राजस्थान में ऐसे ही देर इज़ नरोरा इन यूपी तो कीप अ चेक ऑन वेयर आर दी डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लोकेटेड इन इंडिया ठीक है तो ये जो पावर प्लांट जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये तमिलनाडु में है एंड दीज रिएक्टर्स फॉर दिस प्लांट आर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स इसके रिलेटेड इस बार मेंस में क्वेश्चन भी था और ये रशियन डिज़ाइन है सो इट इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया सो व्हेन कंप्लीटेड दिस प्लांट इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कॉम्प्लेक्स जिसकी जो कंबाइंड कैपेसिटी इज 2 गीगावाट और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स क्या होते हैं ये एक तरह से की टाइप है मेनली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइट वाटर रिएक्टर्स उनकी इट इज़ वन अमंग देम एंड जो अदर हैं वो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड द थर्ड वन इज सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर्स सो इन अ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर सो जो प्राइमरी कूलेंट यूज होता है दैट इज वाटर उसको पंप किया जाता है एट हाई प्रेशर भी उसको पंप किया जाता है ताकि वो रिएक्टर के कोर पर चले जाए जिससे जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस तो उसमें हीटिंग से एनर्जी रिलीज होती है एंड फर्दर वो जो एनर्जी है उसको स्टीम जनरेटर के थ्रू पास किया जाता है जो हीटेड वाटर है और उसको जब स्टीम जनरेटर के थ्रू पास किया जाता है वो थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है जो स्टीम जनरेट होती है उसको टर्बाइन के थ्रू फ्लो किया जाता है एंड फाइनली इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड एंड जो सारे जो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं दे यूज़ ऑर्डिनरी वाटर बोथ एज अ कूलेंट एज वेल एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर सो रिमेंबर दिस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर नेक्स्ट इज इंडिया दिस न्यूज़ इज प्राइमरली रिलेटेड टू आवर मेंस इंडिया हैज़ जम्प्ड 12 स्पॉट्स इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रैंकिंग सो टूरिज्म इज समहाउ आइडेंटिफाइड एज द न्यू हब और द न्यू गेटवे टू मोबिलिटी क्योंकि इसमें माना जाता है कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ये सेक्टर है तो इसमें जो जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल है इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस हैं इंडिया में जो रिमोट लोकेशंस हैं अभी तक अनटैप्ड हैं तो अगर उनको हम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर लें तो इंडिया बहुत सारी जॉब्स जनरेट कर सकता है आप ये भी यू शुड रिमेंबर कि टूरिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं इंडिया में जैसे प्रसाद स्कीम है या हुनर से रोजगार स्कीम है तो जितनी भी सारी स्कीम्स हैं उनको एक बारी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम है काफ़ी पॉपुलर हुई थी हिमाचल से और इसको नेशनल लेवल पे पॉपुलर किया इसको एमुलेट किया जा रहा है तो जितनी भी टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम्स है और हमारा कैंपेन है इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जिसमें जो इंडियन लोकेशन है उनको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाए क्योंकि उसका टूरिज्म का माना जाता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है सो समहाउ इंडिया इज़ नाउ डूइंग गुड इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म दैट इज़ वाई दिस इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रैंकिंग सो जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंपाइल करता है तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है कौन जा सकता है कौन सी एजेंसी कंपाइल करती है कुछ फैक्टर्स और पॉलिसी हैं जिसके बेसिस पे ये जज किया जाता है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है इस ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की सो इंडिया ने इसको जंप किया है नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सागरमाला पोर्ट प्रोजेक्ट वील सी व्हाट इट इज़ दिस प्रोजेक्ट टारगेट्स टू प्रोवाइड 1 crore एम्प्लॉयमेंट सो वी ऑल नो दैट वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज एक अनदर वे पुटिंग इट इन अनदर वे 50% of our population is less than 25 years of age. So we have a large workforce available which has to be given employment. Otherwise this demographic dividend can lead to a disaster. So जो ये project है apart from strengthening our manufacturing sector it is also aiming to provide 1 crore employment to Indian population. तो इसमें माना जाता है कि 40 lakh डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी और 60 लाख इनडायरेक्ट सो दिस प्रोजेक्ट सीक्स टू डेवलप अ स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स एक चैनल और एक लाइन में कई सारे पोर्ट्स बनाने की बात हो रही है अराउंड इंडियाज कोस्ट लाइन क्योंकि इंडिया की एक बहुत लंबी अराउंड 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट तो पोर्ट्स की तो डेवलपमेंट होगी बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स तो कैसे वील सी
इट एम्स टू डेवलप एक्सेस टू न्यू डेवलपमेंट रीजन्स, जितने भी न्यू इमर्जिंग रीजन्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी हमारी एनहांस की जाएगी अलॉन्ग साइड द मेन इकोनॉमिक सेंटर्स विच, एंड इसमें जो फोकस किया जाएगा एक्सपेंशन ऑफ रेल, पोर्ट्स तो बनाने हैं, उसके अलावा जो रेल कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी है एंड कोस्टल एंड रोड सर्विसेज, तो जो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसको भी साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको एक इन्हांसमेंट मिले. एंड अगेन यू नीड टू रिमेंबर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस इनिशिएटिव. और कुछ चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ये कोशिश कर रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट, तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्हांस करना है इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट्स एज वेल एज सेटिंग अप ऑफ न्यू पोर्ट्स. तो इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं कीप अ चेक ऑन देम. इफ एफिशिएंट इवैक्यूएशन टू एज एंड फ्रॉम हिंटरलैंड, हिंटरलैंड दैट इज़ द रिलेटेड एरिया जो क्लोज टू द पोर्ट है, तो जहाँ वहाँ सारी जगह पर इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी की जाए, जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है उनको हैसल फ्री मैनर में इवैक्यूएट किया जाए. इंश्योरिंग इंटर एजेंसी, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कोलैबोरेशन को इंश्योर किया जाए इन एन इंटीग्रेटेड मैनर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट. तो इसे क्या क्या किया जाएगा, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो पेपर वर्क है उसको कम से कम किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी यूज़ किया जाएगा कि बहुत चीज़ें पेपरलेस कर दी जाएँ ताकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट भी हो जाएँ और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इजी हो जाए. इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को यूज़ किया जाएगा फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो कि एक सीमलेस कार्गो मूवमेंट हो जाए, हेसल फ्री हो जाए. टू इंश्योर, एक और ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दी पॉपुलेशन लिविंग इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, तो जो आसपास उन एरियाज में लोग रह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए भी है, और उन लोगों को जो जितनी भी कम्युनिटीज उस एरियाज के आसपास रह रही हैं, ट्राइबल्स, रूरल पॉपुलेशन, तो उनकी इम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फिशरीज सेक्टर को भी टारगेट किया जाएगा, लोगों की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी एज वेल एज टूरिज्म प्रमोशन. नेक्स्ट इज हेल्थ कवर. अभी एक NSS की रिपोर्ट आई है नेशनल सैम्पल सर्वे की, तो उसमें वो बता रहा है कि जो हेल्थ कवर है एक तो वो पहले बहुत कम है और बहुत स्कार्स है. सो जो लेटेस्ट नेशनल सैम्पल सर्वे की जो ये न्यूज़ है इसको आप, दिस कैन बी कोटेड इन योर आंसर्स एज वेल एज यू कैन यूज़ वेयर एवर यू हैव टू राइट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस और हेल्थ कवर इन इंडिया. सो ओवर 80% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ नॉट कवर्ड अंडर any health insurance scheme. So see, even after 7 decades of independence and in spite of launching so many schemes, still over 80% of people are not covered under any health insurance scheme. So the data kya bata raha hai ki jo 12% population hai, sirf 12% population in urban areas and 13% of our rural population is having access to the insurance cover. और दो पुअर हाउस होल्ड, इसके पीछे प्राइमरी रीजंस क्या माने जाते हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है और उसके अलावा एंड दे आर बिलीव टू बी बियॉन्ड द रीच ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. तो अवेयरनेस एक बहुत प्राइम, एक मेजर इशू है. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है दैट 72% ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज एंड 79% इन अर्बन एरियाज इज अवेल्ड थ्रू द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जो हमारा स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द पोरेस्ट इन द वर्ल्ड. तो डॉक्टर जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है स्पेशली इन रूरल एरियाज. तो जो हमारे सेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी, वो भी काफ़ी वीक माने जाते हैं. जो हमारे टर्शरी सेंटर्स हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं भी हैं तो वहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, मेडिसिन का भी इशू है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी का इशू है. तो इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं सारे, बट प्रॉब्लम्स क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दैट इज़ वाई मैंने पहले एक बारी मेंशन किया था दैट इंडिया हैज़ अ वेरी स्टीप पावर्टी ग्रेडियंट. तो एक अगर मेजर हेल्थ शॉक लग जाए तो बहुत सारे लोग जो मार्जिनली अबव पावर्टी लाइन पे हैं वो एकदम से एक हेल्थ शॉक की वजह से अगेन दे रिवर्ट टू दी बिलो पावर्टी लाइन कैटेगरी. सो वी नीड टू मेजरली इन्वेस्ट इन दी इनर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरली रिलेटेड टू हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है डेली का, इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज वेल एज कॉफी अनान. तो ऐसा कुछ हमें प्राइमरी लेवल पर ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है सो एज टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज वेल एज द हायर वैल्यूज़ ऑफ IMR, MMR, जितने भी सारे हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं.
तो चैलेंजेस इसमें यही माने जाते हैं कि मेड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किए हैं इस सर्वे में। नेक्स्ट इज भारतीय पेमेंट बैंक यूनिट गेट्स फाइनल आरबीआई नॉड। तो पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो भारतीय एयरटेल है उसकी पेमेंट बैंक जो वेंचर है उसका नाम है एयरटेल एम कॉमर्स लिमिटेड हैज़ बिकम द फर्स्ट एंटिटी, जो फर्स्ट एंटिटी है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया कि पेमेंट बैंक स्टार्ट कर लो। सो जो पेमेंट बैंक मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पेमेंट बैंक से कुछ फंक्शंस देखेंगे और जो ये नचिकेत मोर कमेटी आई थी उसने रिकमेंड किए थे स्मॉल एज वेल एज पेमेंट बैंक्स, तो इसका स्कोप के बारे में देखेंगे। इट इज़ गोइंग टू मेनली डील इन रेमिटेंस सर्विस, तो डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरन जो रेमिटेंस प्रोवाइड लोगों ने अपने घरों में पैसा भेजना है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी रेमिटेंस, तो इसमें रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाएंगी। उसके अलावा इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अप टू ₹1 lakh, सो इट इज़ प्राइमरली टारगेटिंग दी लोअर इनकम ग्रुप्स। And these banks are not going to lend to the customers. Please remember, ये lending service नहीं provide करेंगे और जो अपने funds हैं इनके government papers या bank deposits, जो government papers जी securities होती हैं उनमें invest किया जाएगा। They can accept demand deposits. तो whenever the need for the money arises, तो people can withdraw their money. Payment banks will be initially restricted to holding a maximum balance of 1 lakh. 1 lakh से ज़्यादा कोई इंडिविजुअल कस्टमर नहीं सेव कर सकता। एंड दे कैन इशू एटीएम एज वेल एज डेबिट कार्ड्स, बट क्रेडिट कार्ड्स नहीं है इसके अंडर, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है नहीं क्योंकि ये लेंड ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेरी स्मॉल न्यूज़ बट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नोरू, इट इज़ अ टाइनी नेशन इन साउथ पैसिफिक आइलैंड और ये 189th मेंबर बन गया IMF का। IMF जो है वॉशिंगटन DC में है अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, तो इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। 1945 में ये बने थे दोनों बैंक्स, मल्टीलेटरल बॉडीज़ हैं, तो 189th मेंबर बन गया ये IMF का। एक डिफरेंस बताना चाहूँगा वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में, ऑल दो बोथ आर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो वर्ल्ड बैंक है दैट प्राइमरीली प्रोवाइड्स फंड्स फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल जितने भी डेवलपमेंट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक तेजस्विनी प्रोजेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंड इन्हांसिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स, तो झारखंड में एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो डेवलपमेंटल इशूज से रिलेटेड कंसेशनल ग्रांट्स देता है। और उसके अलावा जो IMF है दैट इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसीज, और फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट इन सेंस ऑफ आर्टिकल 360, बट अगर कभी किसी भी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड IMF उन कंट्रीज़ को असिस्ट कर देता है। बट ऑफकोर्स देर आर फ्यू कंडीशंस, जैसे 1991 में इंडिया वॉज प्रोवाइडेड असिस्टेंस बट IMF हैड इम्पोज्ड फ्यू कंडीशंस दैट दीज कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड, दैट इंडिया हैड टू ओपन अप इट्स इकॉनमी एंड मोर प्राइवेटाइजेशन हैड टू बी इंक्रीज्ड एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने के लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको भी फ्लोटिंग की तरफ ले जाने की कोशिश की गई थी, तो ऐसे सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े थे इंडिया को, देन ओनली दोज ग्रांट्स वर प्रोवाइडेड। एंड इट विल बी वर्ल्ड बैंक्स स्मॉलेस्ट मेंबर बाय लैंड मास, तो सबसे छोटा मेंबर बनेगा ये IMF का और वर्ल्ड बैंक का, दोनों का मेंबर बना है 189th मेंबर। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो कई बार ये पेपर्स में आया भी चुका है और दोबारा भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन देता है। इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग अ चेक और एक रिव्यू दे रहा है कि जो ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो किस डिग्री तक कोई कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस जो स्टेबल है कितना स्टेबल है और रिस्क को कैप्चर करता है। सो इट असेसेस द रिस्क फेस्ड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, तो क्या एक्सपोर्ट से रिलेटेड फिगर्स या एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में डाउन जा रहे हैं या ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हैं पूरी दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है और कौन सी इकोनॉमीज़ के ज़्यादा रिस्क हैं ऑन दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ फेसिंग इकोनॉमिक रिसेशन, तो उसके बारे में ये एक एनालिसिस करता है। नेक्स्ट इज नैम, ई नैम की बात हो रही है यहाँ पर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको ई नैम भी बोला जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि वी शुड ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो हमारी जो स्टेट APMCs हैं
तो जो एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मार्केट सिस्टम्स था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स थे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही सेल कर सकते हैं. सो एक एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही थी, इसलिए उस चीज़ को कि फार्मर्स को ज़्यादा ऑप्शंस दी जाए, उनके ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई किया जाए सो दैट दे कैन रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ देयर प्रोडक्ट. दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर. वील सी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मंडी. वो इलेक्ट्रॉनिकली सारी जो इंडिया की मंडीज़ हैं, जौन जौन सी स्टेट इसके अंडर एग्री कर जाएंगी. वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो जब तक स्टेट्स एग्री नहीं करेंगी तब तक वो उसका पार्ट नहीं बनेंगी. तो फॉर एग्जाम्पल पंजाब ने अभी तक इस स्कीम के अंडर एक्सीड नहीं किया. सो पंजाब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ई नैम एज ऑफ नाउ. तो इलेक्ट्रॉनिक मंडी है टू हेल्प दी फार्मर्स विद टू सेल देयर प्रोड्यूस ऑनलाइन. तो ऑनलाइन वो अपना वो देख सकते हैं कौन सी स्टेट में बेटर प्राइस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, सो नेचुरली दे सेल देयर प्रोडक्ट इन दैट वेरी स्टेट. सो दिस प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोवाइड मोर ऑप्शंस. मैंने पहले बताया इट इज़ गोइंग टू डाइवर्सिफाई द ऑप्शंस ऑफ द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड इज़ पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोड मैप. एक टारगेट है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है. और इसके अंडर जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 585 होलसेल मार्केट्स हैं इंडिया की अक्रॉस इंडिया, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए अंडर एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. देर आर मेनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट, देर आर फ्यू चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट. सो प्लीज़ कीप अ चेक ऑन इट. एंड दिस वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर. तो नेक्स्ट इज ग्राम उदय से भारत उदय अभियान. सो वील सी. सो प्राइम मिनिस्टर अगेन हैज़ लॉन्च दिस स्कीम इन मध्य प्रदेश. दिस स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन मध्य प्रदेश. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट इज़ द कैंपेन इज गोइंग टू एम एट मेकिंग अ नेशन वाइड एफर्ट्स. नेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे टू स्ट्रेंथन आर PRIs सो एज टू बूस्ट सोशल हार्मनी इन द विलेजेस. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो विलेजेस हैं, जो ग्राम लेवल पे डेवलपमेंट की जाए, रूरल डेवलपमेंट को उसको एनहांस किया जाए एंड टू फॉस्टर दैट इज़ प्रमोट फार्मर्स वेलफेयर एंड लाइवलीहुड्स. तो फार्मर इनकम और वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जाए, जैसे ताकि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए. सो दीज आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इट इज़ गोइंग टू बी रन जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर विच ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स while we have to improve on this front. Next is migration and development brief. तो एक report तैयार की है, World Bank ने यह compile की थी. So remember ये किसने तैयार की है. And India was the world's largest remittance recipient. So we know that around 70 lakh Indians are staying abroad. तो दे ऑब्वियसली वॉन्ट टू रिमेन कनेक्टेड विद देयर रूट्स और उनकी फैमिलीज होती हैं घर पे. सो बहुत सारा पैसा दे सेंड स्पेशली फ्रॉम द गल्फ एंड अमेरिका एज वेल एज कैनेडा. तो बहुत सारा पैसा भेजा जाता है इंडिया में विच इज़ पार्ट ऑफ अ रेमिटेंसेज. तो इंडिया सबसे ज़्यादा रिसीव कर रहा है, ऑल दो ये पिछले साल $1 बिलियन कम हुआ है, बट फिर भी इंडिया की जो रेमिटेंसेज हैं बहुत ज़्यादा हैं एंड इट इज़ ऑक्यूपाइंग द टॉप मोस्ट पोजिशन. ये 2015 की फिगर है क्योंकि अभी इससे लेटेस्ट अभी और फिगर नहीं आई है. एंड $69 बिलियन अट्रैक्ट किए इंडिया ने, ऑल दो इट इज़ डाउन फ्रॉम $70 बिलियन विच वॉज इन 2014. नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल गेटवे. सो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. देखते हैं क्या है. एक रिलायंस जियो का एक इनिशिएटिव है बे ऑफ बंगाल गेटवे ऑफरिंग डायरेक्ट सबमरीन केबल. सो जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, इवन अफ्रीका, यूरोप, धीरे धीरे सारी जगह पे कम्युनिकेशन नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रिलायंस जियो कंपनी एंड इट एम्स टू कनेक्ट इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका एज वेल एज फार ईस्ट एशिया. नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना एज द टॉप FDI डेस्टिनेशन. So this is an important news. So India attracted around $63 billion in 2015, emerging as the highest ranked country by capital investment. सबसे ज़्यादा अब पिछली जो न्यूज़ थी that was related to remittances, but this news is for capital investment, FDI, foreign direct investment. तो जो within the states, गुजरात
and especially it is an investor friendly state because of the reforms introduced by the successive governments in the past decades. तो वहाँ पर it is presumed to be a business friendly state. तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा investment attract हुई है followed by महाराष्ट्र. और इसके पीछे प्राइमरी जो रीज़न्स माने जाते हैं, क्योंकि जो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और उसमें पोटेंशियल भी है, एज वेल एज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट्स. तो इसलिए एफडीआई बढ़ती जा रही है. मोर ओवर इंडिया में और सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है. हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है और काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जिसकी वजह से ऐसे माना जाता है कि दी इंडिया इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर एफडीआई इन द अपकमिंग फ्यूचर. नेक्स्ट इज नेशनल कॉरिडोर बॉडी. द प्लान फॉर दिस बॉडी हैज़ बिन शेल्ड, इट हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो क्या है ये, द सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू शेल्व इट्स प्लान टू सेटअप अ नीका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी. सो सेंटर ने अब कह दिया कि ये नहीं बनेगी अथॉरिटी. अब इसमें क्या था, ड्यू टू द डिले फोर्स इन बाई द पीएमओ, पीएमओ को लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देना था. स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब है कि इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू जब कोई चीज़ बनाता है देन दैट बॉडी गेट्स अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन. तो ऑन द लाइंस ऑफ एनएचएआई की लाइंस पे नीका को भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना था, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसलिए इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया. अब नीका के बारे में देखते हैं, नीका क्या है. इट वॉज द प्रपोज्ड नोडल बॉडी, दैट सुप्रीम बॉडी टू ओवरसी टू सुपरवाइज the work relating to all national industrial corridors. तो जितने भी इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहाँ पर क्लस्टर्ड वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाएगी उन सबको सुपरवाइज करने के लिए, उनको ओवरसी करने के लिए एक बॉडी बनाई जा रही थी नोडल बॉडी, बट इसको अब कैंसिल कर दिया गया. क्यों, क्योंकि हर्डल्स थे इम्प्लीमेंटेशन में. द सेंटर हैड प्लान टू गो इन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी एंड एनश्योर द पासेज ऑफ नीका एक्ट. हमने पहले ही बात की नीका एक्ट बनेगा तभी स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी ये, बट उसको बहुत टाइम लग रहा था इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए की जानी थी, क्योंकि कुछ डाउट्स हैं कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं ये कौन सी लिस्ट में आते हैं. तो वी ऑल नो कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं हैव रिगार्डिंग दैट विच एवर विल फॉल इन द सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और कुछ एरियाज़ होते हैं उनमें कंकरेंट लिस्ट में वो फॉल करते हैं, बट इसके बारे में कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है या यूनियन लिस्ट का पार्ट है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे. तो अमेंडमेंट उसके लिए करनी थी कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड द एम वॉज टू ग्रांट नीका एन ओवर आर्चिंग पावर्स, दैट इट वॉज एम्ड टू प्रोवाइड इट ओवर आर्चिंग, दैट इज सुप्रीम पावर्स इंक्लूडिंग प्राइमेसी ओवर स्टेट बॉडीज ऑन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जितने भी रिलेटेड इशूज थे उसमें प्रपोजल था कि नीका को सुप्रीम पावर दिए जाएंगे, तो कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दी जाएगी, बट नाउ दिस हैज़ बीन रिजेक्टेड. एंड अब क्या होगा इसकी जगह पे, व्हाट इज़ द वे हेड, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव. तो जो इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जो हमारी डेली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो जापान जिसको असिस्ट कर रहा है, इसको जापान असिस्ट कर रहा है, रिमेंबर जापान इज़ अ मेजर सपोर्टिंग पार्टनर इन दिस डीएमआईसी प्रोजेक्ट. तो जो डीएमआईसी जो इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अब इसको कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बना दिया जाएगा टू मूव हेड विद द प्रपोजल रिलेटिंग टू कॉरिडोर्स इन द वर्क्स. अब दिस बॉडी विल बिकम द नोडल बॉडी. और इसको करंटली कौन कौन मैनेज कर रहा है, सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री दैट इज़ DIPP. तो करंटली दिस DMICDC इज़ बींग मैनेज्ड बाय दीज थ्री बॉडीज. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट नीका, वट इज़ नीका, कुड बी आज इन योर प्रीलिम्स. नेक्स्ट इज सेंटर्स नॉड दैट सेंटर हैज़ गिवन एन अप्रूवल फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन इन मेडक. वील सी वट इट इज़. गवर्नमेंट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन एट जहीराबाद इन मेडक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना. तो हम देखेंगे NIMZ क्या है और इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है. सो दीज वर इन्विसेज, इनके बारे में सोचा गया था, दे वर प्लान्ड एज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स. वही क्लस्टर्ड वे में डेवलपमेंट की जाएगी एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी. प्लीज़ गो एंड चेक 2011 में हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी, इसके कुछ कंपोनेंट्स थे, विल सी.
तो जो NIMZ है उसके अंडर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाना था यहाँ पर. लैंड यूज़ होना था ऑन द बेसिस ऑफ जोनिंग, दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर जोन. क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी इसका एक पार्ट था. नेसेसरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ों पर भी इस पर फोकस था. स्किल डेवलपमेंट पर फोकस था. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के जो मेजर बात, जो इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है विच इज़ पोइज्ड और बिलीव टू बी दी मोस्ट लेबर इंटेंसिव, कि सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही होती है, बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इसका शेयर है वो बहुत कम है, 14-15% या 16% के आसपास है इसका जो शेयर है. वेयर एज इन डेवलप्ड कंट्री और मोर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना और साउथ कोरिया, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का शेयर काफ़ी ज़्यादा है. तो इसीलिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं. तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 की थी वो कह रही थी कि जो GDP में शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का 25% तक लेकर जाएंगे, और उससे अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मोर एक्सपोर्ट्स एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स, उससे जो 100 मिलियन जॉब, लाइक 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगी इन अ डेकेड. तो इसमें जो NMP है ये इट एम्ड टू प्रमोट द क्लस्टर्स एंड एग्रीगेशन स्पेशली थ्रू द क्रिएशन ऑफ NIMZs. तो हम NIMZ ऑलरेडी देख चुके हैं, वट आर NIMZs. एंड टू एनेबल NIMZ टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग, इनको ऑटोनोमस बनाने के लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करेंगी एज इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अंडर आर्टिकल 243Q ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनको स्टेट गवर्नमेंट क्लियर करती है, बट इनको जो नोटिफाई करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस, द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट. तो ये हर साल रिपोर्ट आती है US के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की. तो उसमें देखते हैं अभी क्या आया है. इट हैज़ आइडेंटिफाइड ट्रेड बैरियर्स टू US, को ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हर्डल्स हैं उनकी US की कंपनीज और उनके जो प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं ड्यू टू फॉरेन गवर्नमेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम, जो IPR है. IPR आपको सबको पता होगा, IPR के अंडर क्या होता है, किसी भी कंपनी को या एंटिटी को स्पेशल पेटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो उन्होंने स्पेशल कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन के प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स. तो एक उनको लीज पीरियड प्रोवाइड किया जाता है ऑफ 20 ईयर्स कि उस दौरान कोई और कंपनी वो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती. तो उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को जिसने इतना इन्वेस्टमेंट के बाद एक मेडिसिन बनाई है, लेट्स से इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मेडिसिन. तो IPR रिजीम के रिलेटेड US के कुछ कंसर्न्स हैं, और उसने इंडिया को कि इंडिया का जो IPR रिजीम है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए उसने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला है. पिछले साल भी उसने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला था. सो प्लीज़ रिमेंबर कि इंडिया को उसने कौन सी लिस्ट में डाला है, क्योंकि दो कैटेगरीज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डालता है. तो इंडिया को उसने PWL कैटेगरी में डाला है. सो द रिपोर्ट रैंक्स कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन द इनएडिक्वेसी, कि अगर उनका IPR जो मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, तो अगर वो इनएडुकेट है तो उनको दो कैटेगरीज में डाला जाता है, दैट इज़ PFC प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री एंड प्रायोरिटी वॉच लिस्ट. सो जो पहले वाली कैटेगरी है उसमें क्या है, जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उस वो उसमें क्या करेंगे, देल इनिशिएट यूनिलेटरल मेजर्स, अपने आप से मेजर्स लेंगे जिसमें सस्पेंशन ऑफ ट्रेड कंसेशन हो सकता है इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ नेगोशिएशन. अगर बातचीत से कोई बात नहीं निकली, कोई कंक्लूजन नहीं आया, तो जो ट्रेड कंसेशंस हैं उनको कैंसिल किया जाता है. बट जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें इंडिया को डाला है, वहाँ क्या है, इट विल इंक्रीज द बायलेटरल अटेंशन कंसर्निंग द प्रॉब्लम. तो बायलेटरली इसको बहुत अटेंशन दी जाती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे, अगर आपने इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द इशू ऑफ वेरियस मेडिसिनल ड्रग्स, जैसे एक जेनरिक ड्रग था नेटको फार्मा, हैदराबाद की कंपनी थी, उसने कैंसर से रिलेटेड ड्रग बनाया था. बट प्रॉब्लम क्या थी कि एक जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी थी उसके पास उसका पेटेंट राइट्स थे, एक्सक्लूसिव राइट्स, और उसके वो 20 ईयर्स एक्सपायर नहीं हुए थे. बट इंडियन गवर्नमेंट ने उस इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनी थी नेटको फार्मा, उसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक जो ट्रिप्स मैकेनिज्म है अंडर WTO, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंडर क्या होता है कि अगर कोई ड्रग, कोई डिजीज़ ऐसा आ जाए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं या बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं विच आर रिलेटेड टू दी
ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट, तो उससे रिलेटेड उस कंपनी को जेनरिक ड्रग बनाने के लिए अलाउ कर दिया जा सकता है अंडर दी कंपल्सरी लाइसेंसिंग मेजर ऑफ WTO, ट्रिप्स के अंडर आता है। सो इंडिया ने तो ट्रिप्स को कम्प्लीटली कंप्लाई किया था, बट US को ऐसे लगता है कि इंडिया ने उस चीज़ का मिस यूज़ किया, दैट इज़ वाई देर वॉज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड US। मोर ओवर एक और इशू था कि जो हमारे जो अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो हम सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट उसमें क्या एक इंडिया ने क्लॉज इनिशिएट किया था कि जो सोलर पैनल्स हैं उनकी जो डोमेस्टिक जो प्रोक्योरमेंट होगी उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी, वेयर एज US कह रहा था कि इट इज़ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं दे विल नॉट बी प्रोक्योर्ड बाय इंडिया एंड सिंस इट इज़ प्रोवाइडिंग द प्रायोरिटी, इट इज़ गिविंग प्रायोरिटी टू द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विद रिस्पेक्ट टू द सोलर पैनल्स। तो उससे रिलेटेड भी इंडिया और US के कुछ इश्यूज़ हैं। तो US कह रहा है कि जो इंडिया की जो जो IPR रिजीम है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग नॉट इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग इनफ, जिसकी वजह से US को नुकसान हो रहा है, तो उसने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल के रखा है। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि इंडिया स्टेज ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ, जो अभी हमने डिस्कस किया, मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स, कि इंडिया ने अभी भी इतने इंप्रूवमेंट्स नहीं किए हैं अपने IPR फ्रेमवर्क में डिस्पाइट स्टेप्ड अप इन्फोर्समेंट एफर्ट्स। तो अभी भी वो कह रहा है कि इंडिया ने इतने इनिशिएटिव्स, इतने मेजरेबल, इतने क्वांटिफिएबल स्टेप्स नहीं उठाए हैं, ऑल्दो इंडिया की वील डू इट लेटर। द रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड मेनी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो उसने आइडेंटिफाई तो किया है कि इंडिया ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, लाइक एनकरेजिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ बेटर IP प्रोटेक्शन रिजीम, कि IP प्रोटेक्शन रिजीम तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इनकरेज किया है, बट साइमल्टेनियसली उसके कुछ कंसर्न्स हैं पर्टिकुलर रिलेटेड टू द पोटेंशियल इरोजन इन IP स्टैंडर्ड्स। तो IP स्टैंडर्ड्स में वो कह रहे हैं कि अभी भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लाई नहीं कर रहे हैं एज पर US एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली ड्यू टू इट्स पुश फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने अभी बताया सोलर पैनल्स का कंसर्न। सो अभी मैं जो बात करने लगा था कि इंडिया को ऐसे लगता है कि जो ये कैटेगराइजेशन है इज़ आर्बिट्रेरी, कि बहुत ही आर्बिट्रेरी मैनर में बिना सोचे समझे इंडिया को, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, तो जिसमें कि किसी भी कंट्री को या रिवॉर्ड कर दिया जाता है या पनिश कर दिया जाता है, कि इंडिया इज़ बीइंग मेड अ विक्टिम। तो ऐसे लगता है कि इंडिया को लगता है कि ये बहुत आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया, बिना सोचे समझे डिसीजन लिया गया, एंड स्पेशली जब इंडिया ने अपनी न्यू IPR पॉलिसी भी लिया है। सो यू कैन रीड इंडियाज़ न्यू IPR पॉलिसी, प्लीज़ डू रीड इट, और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आप पढ़ सकते हो, तो ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी, इंडियाज़ न्यू IPR पॉलिसी। सो इंडिया फील्स दैट इट हैज़ टेकन इनफ स्टेप्स एंड हैज़ इनफ सेफगार्ड्स टू स्ट्रेंथन एंड प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया एज वेल एज टू इनकरेज the foreign investors as well as the foreign businessmen that they can work in India, but US ne abhi bhi India ko priority watch list mein rakha hua hai, so aap priority watch list do remember this news. Next is abhi jo hamare civil aviation minister hai unhone bola hai ki 520 rule hai ye anarchic hai, iski zarurat nahi hai, that is completely unrequired. The minister has termed this rule अनअनाकी, क्योंकि ये रेगुलेट करता है जो इंडियन कैरियर, जो इतनी इंडियन एयरलाइंस हैं जो अब्रॉड फ्लाई करती हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस हैं 520 रूल में। हम देखेंगे 520 रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू 520 रूल ऑल एयरलाइंस इन इंडिया, जितनी भी इंडिया में एयरलाइंस हैं, नीड 5 years ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइंग एक्सपीरियंस, तो कम से कम उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा उनके पास एक पर्टिकुलर एयरलाइन के पास कम से कम 20 एयरक्राफ्ट चाहिए अगर उसने बाहर अपनी फ्लाइट्स रन करनी है। सो ये रूल ऐसा है, तो मिनिस्टर कह रहे हैं दिस रूल इज़ कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर, और इस जो ये है बहुत हीटेड इशू रहा है काफ़ी देर से। जो हमारे डोमेस्टिक एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं दे हैव बिन डिमांडिंग दैट दिस रूल हैज़ टू बी स्क्रैप्ड, इस रूल को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फ्लाइट जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एडवांटेज पे रखता है, और जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनको मार्केट में कम्प्लीटली पेनिट्रेट करने नहीं देता, वो अपने पोटेंशियल को कम्प्लीटली रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी के पास 20 एयरक्राफ्ट नहीं हो सकते, या जो नए प्लेयर्स हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है दे कैनॉट रन दी फ्लाइट्स अब्रॉड, तो कहीं ना कहीं इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है। बट अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है,
जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो करंटली अभी फ्लाई करती हैं अब्रॉड लाइक इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, तो अभी तो इनके पास मोनोपोली है और ये इस प्रपोजल को कि इस अगर इस रूल को अबॉलिश करना है ये इसको इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, ये कहते हैं कि दिस रूल शुड नॉट बी स्क्रैप्ड। बट जो नई एयरलाइंस है लाइक विस्तारा एंड एयर एशिया वो स्ट्रांगली दे आर आस्किंग दैट दिस रूल शुड बी रिलैक्स्ड कि सो दैट दे कैन इवन फ्लाई देयर एयरलाइंस अब्रॉड। हाउएवर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है अभी तक उसने क्लैरिटी नहीं दी है। वैसे जो हमारी न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी थी उसमें भी इसमें कम्प्लीटली क्लैरिफाई नहीं किया गया कि इसको हटाया जाएगा कि नहीं, कुछ पॉइंट सिस्टम्स की भी बात की गई थी बट अभी तक 520 रूल को हटाया नहीं गया। इसकी डिमांड बहुत देर से चल रही है क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ये ट्रेड को और जो हमारी कनेक्टिविटी को है ये कहीं ना कहीं पूरा ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने में अभी एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर सारी एयरलाइंस को अगर इसको रिलैक्स ही कर दिया जाएगा तो काफ़ी सारी एयरलाइंस और मार्केट में आ जाएंगी तो कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बट अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि इसको अबॉलिश करना है या रिप्लेस करना है एक और तरह की पॉलिसी से या एक अलग तरह के रूल से। नेक्स्ट इज अनदर न्यूज़ मेनली रिलेटेड टू आवर प्रीलिम्स, स्मारक सिटीजन। तो ये क्या है, ये एक प्रपोजल है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का। उसने एक प्रपोजल दिया था इसरो को कि एक ऐप बनाई जाए जिसका नाम है स्मारक सिटीजन। तो ये ऐप का मेन पर्पस क्या, इट इज एम्ड एट ग्रांटिंग द सिटीजन्स ग्रांटिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स विद इन फ्यू मिनट्स। तो जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन परमिट्स प्रोवाइड कर दिए हैं क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से डिलेज होते हैं। तो माना जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन परमिट्स एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बना दिया है जहां पर जल्दी से जल्दी स्पीडी वे में परमिट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं टू दी आर्किटेक्ट्स एज वेल एज रियल एस्टेट डेवलपर्स स्पेशली वेयर एवर देयर आर प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स क्लोज टू नेशनल मॉन्यूमेंट्स। तो उसके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो और जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन परमिट्स दिए जाएँ। तो जितनी भी हमारी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री तो उसके रिगार्डिंग इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एंड वो इसकी सारे इसकी सेक्शन में आएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम ईजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स द ऐप विल ऑल्सो हेल्प द NMA दैट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी टू कीप अ टैब ऑन एनक्रोचमेंट्स। तो उसमें अगर कहीं इलीगल एनक्रोचमेंट्स होती हैं तो उस पर भी एक चेक रखा जाएगा, दी अथॉरिटी विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स इन केस ऑफ एनी इलीगल इनक्रोचमेंट्स। तो अगर जल्दी कंस्ट्रक्शन परमिट देने हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन परमिट्स अलाउ कर दिए जाएंगे, ये सिर्फ इसलिए है ताकि उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, टाइम कंज्यूमिंग ना रहे। तो जल्दी से जल्दी विच एवर इज कंप्लाइंग टू द नॉर्म्स उसको जल्दी से जल्दी परमिट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड थ्रू दिस इट इज़ गोइंग टू हेल्प आर्किटेक्ट्स नॉट ओनली फॉर द NMA अप्रूवल कि उससे अप्रूवल मिलेगा बट ऑल्सो फॉर द अप्रूवल ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इट इज़ गोइंग टू मेक द प्रोसेस मोर टाइम रिलैक्सिंग एंड इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द बैरियर्स एज वेल एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस सेक्टर।